गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. दिस इज क्लास फोर्थ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6, सेंस ऑर्गन्स. ओके, तो अब सेंस ऑर्गन्स आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, है ना. हमने पढ़ा था कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में. कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, जो हमारी पूरी बॉडी पे होती है. ठीक है, तो लास्ट ईयर तो आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. अब हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप और भी डीपली उसको और ज़्यादातर डिटेल में पढ़ते जाते हो चीज़ों को. ठीक है ना. तो अब देखो, हमें इतना तो पता ही है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. सेंस ऑर्गन किन्हें कहते हैं? वो ऑर्गन्स, वो बॉडी पार्ट्स. ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट्स, बताया था मैंने. तो वो बॉडी पार्ट जो हमें हमारे सराउंडिंग्स को फील करने में मदद करते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या है, कैसा है, उसको फील कर पाएँ हम, तो उनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स. और सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 होते हैं, ये हम सबको पता है. अब ये कह रहे हैं आईज. फर्स्ट हम बात करते हैं आईज की. और ये कह रहे हैं आईज, और इसमें इन्होंने लिखा है सेंस ऑफ साइट. साइट मतलब होता है देखने वाली जो चीज़ें. हम जैसे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, तो दिस इज़ माई साइट. या मैं किसी चीज़ को देख पा रही हूँ. देखने को जो वर्ड होता है, देखने से जो वर्ड रिलेटेड होता है, उसको हम साइट कहते हैं. तो देखने का जो सेंस होता है, इसको हम कैसे कैसे फील कर पाते हैं? आईज़ की मदद से फील कर पाते हैं. सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, तो हम किस से देख पाते हैं? अपनी आईज से देख पाते हैं, अपनी आईज़ की हेल्प से देख पाते हैं. ठीक है, लेकिन क्या बस आईज ही देखती हैं? आईज ने देख लिया और हो गया? जी नहीं. अब मान लो कि ये ब्लैकबोर्ड, सॉरी ये बोर्ड है. ठीक है, इस पर मैंने कुछ लिखा, मैं यहाँ से देख रही हूँ. तो होता क्या है एक्चुअली बताऊँ? आपके सारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला आपका ब्रेन होता है, और इसीलिए ब्रेन को बॉस भी कहा जाता है. ठीक है, तो आप कैसे कंट्रोल करता है? हुआ क्या, मेरे सामने ऑब्जेक्ट आया. ये इतना बड़ा बोर्ड है, ये मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. मैंने इसको देखा, इसके ऊपर क्या पड़ रही है? सनलाइट पड़ रही है. बोलोगे मैडम सनलाइट कहाँ पड़ रही है, सन तो बाहर है, आप तो कमरे के अंदर हो. तो इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, मतलब रोशनी तो आ ही रही है ना सन की. ज़रूरी तो ही ना कि बिल्कुल डायरेक्ट ही हम धूप में बैठे तभी सनलाइट मानी जाएगी, लेकिन फिर भी रोशनी तो आई. मैंने कोई लाइट नहीं जला रखी. जैसे ही सवेरा होता है, जैसे ही धूप आती है, हम सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें घर में सब चीज़ें दिखाई देती हैं ना. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट लाइट आ रही है सन की. ठीक है, अब ये कैसी लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ये सब आप आगे चल के पढ़ोगे. लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताती हूँ कि फिर भी धूप, सूरज की रोशनी तो आ ही रही है हमारे पास. तो जो सूरज की रोशनी, जो लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, वो लाइट मेरी आँखों के अंदर जा रही है. अब वो अंदर जब गई, तो मेरी आँखों में नसें हैं, नर्व्स हैं. ठीक है, नस तो समझते हो, नसें हैं, उन्होंने सीधे ब्रेन को मैसेज किया. ठीक है, अब ब्रेन को क्या मैसेज किया, क्या नहीं किया, वो तो आंखों की नसें ही जाने, मुझे तो बोल के बताएंगी नहीं वो. लेकिन कुछ मैसेज किया, और ब्रेन ने उस मैसेज को फटाफट पढ़ा, और उसने बोला ओके. तो मेरी आंख ने इसको देख लिया, मेरी आंख को ये भी समझ में आ गया, ब्रेन ने इसको आंख को बता दिया कि भाई ये बोर्ड है, वाइट कलर का है, लकड़ी का बना हुआ है, तुमने इस पर जो लिखा है वो EYES लिखा है, वो ब्लैक कलर से लिखा है, मार्कर से लिखा है. सारी चीज़ें किसने बता दी? ब्रेन ने बता दी. तो ओके, अब मान लो कि मैं सड़क पे जा रही हूँ, रात को जा रही हूँ, और सामने से ट्रक आ रहा है, उसकी लाइट बहुत तेज आ रही है. तो क्या होगा? मेरी आँखों ने वो लाइट देखी और फटाक से ब्रेन को मैसेज किया, और ब्रेन ने क्या कहा? बंद कर लो आँखें, क्योंकि ये तुम्हारी आँखों में इतनी लाइट जाएगी तो आँखों को ख़राब कर देगी, तो आँखें बंद. ठीक है, तो होता है ना, जैसी लाइट पड़ती है अपन ऐसे हो जाते हैं. तो सोचो लाइट के आते ही ऐसे होगा, इतने में ब्रेन ने इतनी सारी बातें कर भी ली. हमारी बॉडी के अंदर कितनी तेज़ी से चीज़ें होती हैं, देखो आप सोच के देखो जरा, कितना मिरेकल है ये सब. ठीक है, क्या होता है, हम आराम से गाड़ी चला रहे, कोई गाड़ी सामने से आती है, हम ऐसे करते जो निकल जाती है, नॉर्मल हो जाते हैं. ठीक है, और बाकी हम बढ़िया चलते रहते हैं. तो इतनी सी जो चीज़ थी, हमने एक मिनट ऐसे किया, और इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हो भी गई, हमारी बॉडी में, कि आँखों ने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने आँखों को ऑर्डर दिया, और ऑर्डर मान भी लिया. तो कहने का मतलब, जब हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने उसे बस देख लिया और हो गया. ये पेन है, इस पे धूप की रोशनी है, मतलब सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये रोशनी मेरी आँखों में जा रही है, आँखों से जाकर ब्रेन में मैसेज किया. आँखों ने कहा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है कुछ, इसको मैं देख रही हूँ, क्या देख लूँ? तो आँखों ने कहा, ब्रेन ने कहा कि हाँ इसको देखो, क्योंकि इसमें से जितनी रोशनी आ रही है वो तुम्हारे को ख़राब नहीं करेगी. तो आई कैन सी इट नॉर्मली. और फिर ब्रेन ने बोला कि भाई ये पता है क्या चीज़ है, मेरी आँखों को सिखाया,
कि ये एक पेन है, इसे मार्कर कहते हैं, ये वाइट और ब्लैक कलर का, इसे लिखा जाता है। तो ये सारा काम किसने किया? ब्रेन ने किया और आंखों ने उसकी उसके ऑर्डर को माना। दैट इज़ वाई ब्रेन इज़ द बॉस और इट कंट्रोल्स ओ कंप्लीट बॉडी ऑफ योर्स, सारी की सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आई, सेंस ऑफ साइट। आर आईज हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। व्हेन वी लुक एन ऑब्जेक्ट द लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आई। जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। पेज नंबर 22 पे आ जाइए, सेंस ऑर्गन्स चैप्टर नंबर 6। और हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ही हमारी आंखों ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, किसी चीज़ को देखा, उसकी लाइट हमारी आंखों में जाती है और इमीडिएटली सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। और तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, है ना, तुरंत ही उसने सिग्नल भेजा, मैसेज भेजा ब्रेन को। द ब्रेन हेल्प्स अस टू नो द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसको देखना है कि नहीं देखना है, वो सब कौन डिसाइड कर देता है? ब्रेन डिसाइड कर देता है एक सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो अब वर्किंग ऑफ द आई में आपने क्या पढ़ा? एन ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ आईज, आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट है। एन इमेज इज फॉर्म इनसाइड द आईज, उसकी आंखों के सामने एक इमेज बनती है। द नर्व्स इन द आईज सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और उसके बाद ब्रेन को आईज एक मैसेज भेजती हैं और ब्रेन रीड द मैसेज एंड एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और ब्रेन जो होता है उस मैसेज को पढ़ता है, समझता है और हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बना देता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है। हाँ, अब दूसरा आता है कि हमें अपनी आँखों की केयर कैसे करनी चाहिए। पहली बात, बहुत डिम लाइट, मतलब बहुत थोड़ी कम रोशनी में नहीं पढ़ो, बहुत तेज़ रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए कि ये धूप में जाके बैठ गए, बढ़िया ये खोल के किताबें, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा भाई रोशनी थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। अपनी बुक को हमेशा इतनी दूरी पर रखो, एकदम ऐसे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे और बहुत दूर रख के आ जाओगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो कोई भी चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ देखनी है, तो वो कम से कम इतना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कभी भी बस में चलती हुई चीज़ है, जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो चीज़ हिल, अगर जो आपकी बुक है वो ऐसे हिल रही है या मोबाइल हिल रहा है तो उस वक्त उसमें मत पढ़ो, क्योंकि आपको उसकी आँख को, आपकी आँख को उसकी इमेज बनाने में दिक्कत होगी और आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। प्लस गर्म पानी से कभी आँखें मत धोना, हमेशा ठंडे पानी से, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल चिल्ड पानी है, सिंपल जो स्टील वाला मटका होता है या जो सिंपल पानी होता है रूम टेम्परेचर का, उससे अपनी आंखों को धो। आंखों को धोने का एक तरीका है, आप डायरेक्ट आंखों में पानी डालोगे तो आंखों में लगेगा और आंखें लाल हो जाएंगी, ऐसे नहीं धोते हैं। पहले मुंह में पानी भरा, जैसे अपन कुल्ला करने के लिए पानी भरते हैं ना, फिर आंखों को धो, है ना, फिर आंखों को 2-3 बार ऐसे धोया, फिर वो पानी को निकाल दिया। ऐसे में क्या होगा, आंखें धुल जाएंगी, आंखें लाल भी नहीं होंगी और पानी से जलन भी नहीं होगी। तो इस तरीके से पानी से आंखें धोनी चाहिए दिन में 3-4 बार। और अभी तो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, वीडियो देखते रहते हो घंटे बैठकर, तो और फिर उसके बाद गेम्स खेलते हो, मूवीज़ देखते हो, टीवी देखते हो, बाहर तो जाने का होता नहीं अभी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे में तो आपको कम से कम दिन भर में 4-5 बार आंखें धोनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 बार धो के आ गए छुट्टी, 4-5 बार बार बार, जैसे सुबह ब्रश करते वक्त धोते हैं अपन मुंह, आंखें धोते हैं, उसके बाद क्लासेस ले ली, क्लासेस के बीच में आप उठकर एक बार पानी से धोकर आ जाओ आंखों को, फिर जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी तब धो लो, शाम को धो लो, रात को धो लो, ऐसे 3-4-5 बार, कम से कम 4 या 5 बार अपनी आँखों को दिन भर में धो लोगे तो आपकी आँखें नीट एंड क्लीन और हेल्दी रहेंगी। तो इस तरीके से हमारे को आँखों का ख्याल रखना चाहिए। फिर आता है ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग। इसी तरीके से हमारे कान होते हैं, हमारा जो कान होता है, ये वाला जो कान होता है वो आउटर ईयर होता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो कान है वो सपोज करो ऐसा दिखता है, और ये तो हमारा आउटर कान हो गया, जिसको कि पकड़ के मैं खींचती हूँ आपका, ठीक है, और मम्मी भी खींचती होंगी। फिर इसके अंदर एक ऐसी ट्यूब जैसी होती है, जब आप कान साफ़ करते हो तो डालते हो ना, कान साफ़ करने की वो ईयरबड आती है, तो अंदर तक थोड़ी सी तो अंदर तक चली जाती है, फिर ऐसे नहीं जाती, तब क्या होता है, यहाँ पर तो चली जाती है और यहाँ पर जाकर आपको एकदम से झटका लगता है कि नहीं नहीं अब और अंदर नहीं जाएगी, और अंदर घुसेड़ने भी नहीं चाहिए, और फिर यहाँ पर एक दूसरा एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कहने का मतलब, हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट को जो कि बाहर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं आउटर ईयर, ठीक है। जिस पार्ट में आप ईयरबड डाल के सफाई करते हो, ये ट्यूब जैसा, इसको हम कहते हैं मिडिल ईयर, ठीक है।
और इसके अंदर जो एक होता है वो होता है हमारा इनर ईयर। इस तक आपकी जो ईयरबड है वो ना तो पहुंचती है और ना ही कभी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या हुआ, अब काम कैसे करता है ये देखो, आपका ये जो पार्ट होता है, ये जो हमारा कान दिखता है, वो क्या करता है, सारे के सारे साउंड को अपने अंदर जाने देता है। जब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, वो इसलिए ही सुन पा रहे हो क्योंकि आपका जो कान है उसने मेरी आवाज़ को इकट्ठा करके और आपके कान के अंदर डाल दिया। तो वो जो आवाज़ है मेरी वो कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँच के उसने इसको, यहाँ पे जो कान का पर्दा कहलाता है ना, ये इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहते हैं कान का पर्दा। तो इस कान के पर्दे पे जाकर ये जो साउंड है मेरा वो इस कान के पर्दे पे जाकर टकराता है और आपको चीज़ें सुनाई देती हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर टकराया, मिडिल ईयर में आकर इस कान के पर्दे पे टकराई मेरी आवाज़, फिर वो फिर क्या हुआ, इनर ईयर के अंदर जो नसें होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। चाहे आँख में भी नर्व्स पाई जाती हैं, कान में भी नर्व पाई जाती है, पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो उसने फिर ब्रेन को मैसेज दिया कि भाई कुछ साउंड आया है बाहर के कान से और मिडिल कान तक ईयर ड्रम पे टकरा रहा है। तो ब्रेन ने क्या किया, हाँ जी सुन लो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये साउंड तुम्हारे कान को ख़राब नहीं करेगा, तो आप उस चीज़ें सुनाई देती हैं। अब दो तरीके के साउंड होते हैं, कुछ साउंड तो ऐसा होता है ब्रेन कहता है कि हाँ बढ़िया लग रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, तुम भी मज़ा करो, तो अच्छा 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 म्यूज़िक सुनते हैं। लेकिन कहीं बहुत शोर शराबा है, बहुत ज़ोर से है, तो आप ऐसे कर लेते हो, जब आप पटाखे बम फोड़ते हो दिवाली पे, तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो। रीज़न, क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है कि भाई आवाज़ इतनी तेज़ मत सुनना, क्योंकि तुम कान से कह रहा है कि तुम ख़राब हो जाओगे, भाई कान जी आप ख़राब हो जाएंगे, तो आप कान अपने आप बंद कर लेते हो। तो ब्रेन ने कहा हाथों से, अब आंखें तो अपने आप बंद हो जाती हैं ऐसे, लेकिन कान तो ऐसा बंद नहीं हो सकता, तो कान ब्रेन ने हाथों को बोला बंद करो, तो आप क्या करते हो, बंद कर लेते हो, ठीक है। कहीं शोर हो रहा हो तो आप वहाँ से भाग आते हो, या फिर आप दरवाजे लगा लोगे, खिड़की लगा लोगे, कैसे ना कैसे करके आप कानों में उस आवाज़ को नहीं आने देते, क्योंकि जो नर्व्स थी उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया और ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर कर दिया कि इस साउंड को सुनना है, इस साउंड को नहीं सुनना है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, आउटर ईयर में साउंड टकराया, मिडिल ईयर में गया, मिडिल ईयर से फिर ये कान के पर्दे पे, मतलब ईयर ड्रम पे टकराया। जैसे ही इससे टकराया तो इनर ईयर, अंदर के कान की जो नर्व्स हैं, उन्होंने किसको सिग्नल पहुंचाया, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया, और ब्रेन ने फटाक से ऑर्डर किया कि कानों को खुला रखना है कि नहीं, आवाज़ को सुनना है कि नहीं सुनना है, ठीक है। तो अगेन ब्रेन इज़ द बॉस, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा भी है और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। चलिए फिर हम पढ़ते हैं कि हमें अपने कानों की केयर कैसे करनी है। तो पहली बात तो हमेशा साफ़ सफाई रखो। अगर कोई बच्चे अगर कान साफ़ नहीं करते, आप कभी देखते होंगे जब कभी ऐसे खुजली होती है तो मम्मी ईयरबड लेकर या कोई सीख वगैरह लेकर उस पर रुई लगा के ऐसे ऐसे साफ़ करती है, तो वो एक्चुअली ये वाले पार्ट को साफ़ करना पड़ता है। इसमें से हम डालते हैं सीख या ईयरबड, इसमें से डालते हैं और यहाँ पर मैल जो होता है, वो जो येलो सा और ब्राउन सा अपना जो चिकना सा मैल निकलता है, तो वो यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। वो क्या होता है, कैसे, ये सब 8th क्लास में पढ़ना, ठीक है, और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ईयर ड्रम को बचाना रह चाहिए। बहुत ज़ोर से शोर करोगे या ईयरफोन जब आप लगाते हो तो बहुत ज़ोर से साउंड अगर करोगे तो इस पर बार बार झटका पड़ेगा, और ये बार बार झटका पड़ के अगर ये ख़राब हो गया तो आप बहरे भी हो जाते हो। इसके अलावा खेल में या गुस्से में कभी किसी को कान पे मत मारो। अगेन, अगर कान पे मारा और ईयर ड्रम फट गया, कान का पर्दा फट गया, तो भी इंसान बहरा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। पहले तो साफ़ सफाई रखनी है और दूसरी बात ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं सुननी है, ईयरफोन लगा लगा के बहुत ज़ोर से कुछ नहीं सुनना है, किसी को चाटा कान पे नहीं मारना है। रीज़न, क्योंकि ईयर ड्रम इज़ एवरीथिंग। अगर ये ईयर ड्रम ख़राब हो गया तो आपके कान हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अब थर्ड होता है नोज़, सेंस ऑफ स्मेल। नोज़ से क्या होता है, नोज़ में भी वही होता है, भाई हमें कोई खुशबू अच्छी लगती है, कोई खुशबू बुरी लगती है, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको ऑर्डर करता है कोई चीज़। अब खुशबू तो ऐसा है कि कहीं से भी आ सकती है ना। खाना अगर मान लो वहाँ भाई जी समोसा लेकर आती हैं तो यहाँ तक खुशबू आ जाती है, तो हमारी नोज़ बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत दूर से खुशबू लेती है। तो अब जैसे ही मैंने सांस अंदर ली
तो वो सांस अंदर ली तो एयर के साथ वो स्मेल भी गई अंदर। अब नाक के अंदर जो नर्व्स हैं, नाक के अंदर जो नसें हैं, उन्होंने फिर मैसेज भेजा ब्रेन को। ब्रेन ने कहा कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त गर्म गर्म समोसा आया है, सूंघते रहो आराम से, खाने को नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, बट सूंघ तो लो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो ब्रेन इज़ द बॉस अगेन, ठीक है ना। अब अगर मान लो कहीं गंदगी पड़ी है तो ब्रेन को पता है कि इसमें से बदबू भी आ रही है, लेकिन इसके अंदर जर्म्स भी हैं, और अगर हमने ज़ोर से सांस ली, मैंने अगर नाक को नहीं रोका और गलती से सांस लेते वक्त वो जर्म्स अंदर चले गए, तो ये तो बीमार हो जाना है और मैं भी बीमार हो जाऊँगा। तो ब्रेन बड़ा होशियार, तो उसने क्या किया, अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं तो हम तुरंत ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर कहीं से बदबू है तो हमारा हाथ तुरंत ऐसे जाए, क्योंकि नाक अपने आप तो बंद होगी नहीं तुरंत। तो क्या हुआ, नाक में जैसे कोई स्मेल आई, फटाक से ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने तुरंत कहा हाथ लगा लो, हाथ लग गया तो वो जर्म्स हमारे अंदर नहीं जा पाए, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि ब्रेन इज़ द बॉस अगेन। अब हम नोज़ की कैसे केयर करें, तो भाई सीधी बात है, कोई वो पिन विन नाक में नहीं घुसेड़नी चाहिए, कोई पैनी चीज़ ना तो कान में, ना आँख में, ना नाक में, कोई पागल थोड़ी ना है जो ये करेंगे। यही बोलोगे ना कि मैडम कैसी बातें कर रही हो, हम कोई पागल हैं क्या जो अपनी आँख में पिन डालेंगे या कान में पिन डालेंगे, हमें भी पता लग जाएगी। फिर भी कुछ लोग होते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली थोड़े से पागल होते हैं, ऐसे मजाक कर रही हूँ, छोटे बच्चे बस क्यूट होते हैं, उनको पता ही नहीं है, अगर उन्होंने गलती से डाल लिया तो, इसलिए तो छोटे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उनको भी सिखाओ और आपको भी पता होना चाहिए कि कान में, आँख में, नाक में कभी कोई पॉइंटेड चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें कभी कभी रात तक आते आते, जैसे मान लो हम बहुत धुएं में से आते हैं तो हमें नाक में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब हमें क्या करना होता है, हमें नाक को साफ़ करना पड़ता है बाथरूम में जाके, तो वो हमें सफाई अच्छे से करनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी नोज़ की सफाई रख सकते हैं। और दूसरी बात, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है या बहुत धूल मिट्टी होती है तो हम रुमाल से अपनी नाक को ढकना चाहिए, और जो रुमाल हम यूज़ करते हैं या जो मास्क हम यूज़ करते हैं, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, अगर वो गंदा होगा तो आपके अंदर जर्म्स ज़्यादा चले जाएंगे। सो इतना हमने पढ़ लिया कि आईज़ कैसे काम करती हैं, नोज़ कैसे काम करती है और ईयर कैसे काम करते हैं। हर बार हमने एक ही चीज़ देखी कि ब्रेन इज़ द बॉस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ओके, तो सब बच्चे अपना ख्याल रखो, इतना पढ़ के रखो, कल मैं इसके आगे और पढ़ाऊंगी, ठीक है, बाय बाय।